तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको बताएंगे पप्पी बाइट, जो पप्पी की प्लेइंग बाइट है ना, जो वो क्यों करता है और उसको रोकने के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए, उसको कैसे समझाना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ये एक हमारा पप्पी है, ये 45 डे का हो गया है। तो पप्पी जो है बाइट इसलिए करता है क्योंकि जैसे ह्यूमन बेबी होता है, उसके टीथ आते हैं तो उसके दांतों में खारिश चलती है, तो खारिश चलती है तो उसको भी ऐसा लगता है भाई जो भी चीज़ आए तो वो चबा नहीं करता है, अपने मुंह में लेने। ऐसे ही पप्पी का होता है। ये लगा लो जब तक पप्पी 18 मंथ का नहीं होता था, मतलब पूरी मैच्योर ग्रोथ नहीं होती, जब तक ये ऐसी हरकतें करता रहेगा। अभी इसको चबा रहा है ना, मैं इसको बोलूँगा नो नो सिम्बा नो, ये लो इसकी चबाने की चीज़ें, जैसे ये हड्डी आती है इसको मना करो ऐसे नो, और ये बोन वगैरह जो है ये चीज़ें दो इसको, ये चबाएगा ये चीज़ें दो, फिर ये समझ जाएगा भाई हाँ ये चीज़ें मेरी चबाने की। और सबसे आपको मेन जो ध्यान रखना है, और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब कभी भी पप्पी जैसे कपड़ा वगैरह चबा रहा हो, कोई कपड़े से खेल रहा हो ना, तो कपड़े को या अपने हाथ को ना खींचे ना, उससे आपके हाथ को भी इंजरी हो सकती है। जैसे नो सिम्बा नो, आपके हाथ को भी इंजरी, जैसे आप हाथ खींचोगे तो पप्पी को पता नहीं है कितनी बाइट फोर्स लगानी, क्या पता उसने ज़्यादा जोर से पकड़ रखा हो और आपके हाथ भी छिल जाए या क्रोच लग जाए। और ऐसे कंबल भी उसने पकड़ रखा हो या कोई चीज़ कपड़ा वगैरह पकड़ रखा हो तो उसको खींचोगे ना, तो इसके दांत ना जो कच्चे होते हैं, ये जो जैसे बच्चे का दूध के दांत वैसे दांत होते हैं, तो इनका भी टूटने का डर रहता है, तो इससे आगे कोई भी चीज़ जैसे चबाने में या खाने में इसको दिक्कत आएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मेरी वीडियो में नो सिम्बा नो, ये लो। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो वीडियो में कमेंट करें, आप उसी टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कैसे अपने पप्पी की केयर करें। तो ठीक, और पप्पी ना, पप्पी की जो उसको समझ नहीं होती भाई मेरे को कितनी बाइट फोर्स लगानी है, कितनी बाइट फोर्स लगानी है, तो आपके हाथ को भी चबाता है, हर चीज़ जो उसको मिलती है वो उस हर चीज़ को चबाता है। जैसे कम नो नो सिम्बा नो, ये लो, वो हर चीज़ चबाता है। तो आपको उसको ऐसे सिखाना पड़ेगा। और कई बार जैसे बच्चों वगैरह के दांत लग जाते हैं या कोई नेल्स वगैरह लग जाता है पप्पी का, तो घबराने वाली बात नहीं है, 2 से 2.5 महीने तक पप्पी में रेबीज नहीं होता, उसके बाद रेबीज बनना स्टार्ट होता है। और 3 मंथ से नियर अबाउट आप पप्पी को रेबीज की वैक्सीन लगवाई लेते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, और जैसे अपने बच्चों की केयर करते हैं वैसे इनकी ना, जो दूध के दांत होते हैं वो उस टाइप से कच्चे होते हैं बिल्कुल, और ये नए आएंगे बाद में, लेकिन 2.5-3 मंथ के बाद आने स्टार्ट हो जाएंगे ये। अब ये देखो बाइट करना, इसको नो बोलो बेटा, नो 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 बोलो, ये देखो वो हट गया ना पीछे, इसको ये दो बोन, ये दो, एक ये आती है बोन, एक कैल्शियम बोन आती है, काफ़ी तरह की चीज़ें आती है ऐसी ऐसी कि वो चीज़ें दो इनको, इससे पप्पी को समझ में आएगा भाई हाँ हमारी चबाने की चीज़ ये, खेलने की चीज़ ये देखो। और जितना ये बाइट करेगा उससे इसका हेड ग्रो करेगा, जो इसके जो लिप्स हैं ये गर्लफ्रेंड वगैरह ये इस तरह की ये चीज़ें ये थोड़ी इम्प्रूव होंगी, फेस थोड़ा हैवी बनेगा। ये देखो इनको ना मज़ा आता है ऐसे, खारिश होती है इनके दांतों में तो इनको ऐसे चबाने में बड़ा मज़ा आता है। इनको आप बोलोगे ना नो और इसको जो चबाने की जब वो दोगे तो ये धीरे धीरे सीख जाएंगे, आप 3-4 बार इनके साथ ऐसे करोगे तो ये सीख जाएंगे। तो ऐसे आप पप्पी को ट्रेंड करिए, और खाने वगैरह की जो मैंने आपको बताई रखी है, ये करीबन लगा लो 1.5 साल तक तो ऐसे ही करेगा, क्योंकि जब तक इसके पूरी मैच्योर ग्रोथ नहीं हो जाएगी ना, जब तक इसके दांतों में ऐसी खारिश चलती रहेगी, कोई भी चीज़ फंसे इसके चप्पल वगैरह या कोई आपकी प्लास्टिक की टूटी वगैरह है या कोई भी है, जैसे फोल्डिंग वगैरह, देखो इन्होंने ना जैसे इन्होंने ना देखो ये यहाँ देखो ये सारा फोल्डिंग काटा हुआ है, देखो ये सारा फोल्डिंग काटा हुआ इधर भी और ये देखो उधर भी पीछे दिख रहा वाइट वाइट, तो ये इसीलिए करते हैं भाई इनके दांत आते हैं। तो पप्पी पालना इतना आसान नहीं है जितना सोचते हैं, तो जैसे आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हो वैसे भी इनको भी शिक्षा देनी पड़ेगी, इनको भी टाइम देना पड़ेगा जब भी जाके डॉग पलता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहे मेरे चैनल के साथ अच्छी अच्छी जानकारी के लिए। ये देखो अब ये सीख गया ना, देखो ये और चीज़ नहीं चबा रहा, ना हाथ को बाइट कर रहा ना कंबल को बाइट कर रहा, अब जो चीज़ इसकी खाने की है उसी की है। दिन में करीबन 1-1.5 घंटा आपको डॉग को देना पड़ेगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।